दिया दूध गिरा दिया और अब आपको ज्यादा काम लगेगा दूध बनाने में, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। जे माफ कर दीजिए, मैं सपने में थी। सुनीता ने दादी माँ से बोला। दादी माँ ने बोला, अच्छा ठीक है, इस बार मैंने माफ कर दिया, पर हाँ इस बार से ज्यादा मैं तुम्हारी गलती को मानूंगी नहीं, क्योंकि तुम हमेशा सपने में रहती हो, कभी कभी काम में भी ध्यान दे दिया करो। सुनीता परेशान हो जाती है। एक दिन उसके पास ये खबर आती है कि राजकुमार ने सुनीता और उसकी दादी माँ से दूध से बनी चीजों को लाने के लिए बोला, क्योंकि महल में बड़ी सी दावत थी। सुनीता तैयार होके बहुत सारी चीजें ले जाती है, जैसे कि केक, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ। उसकी दादी माँ ने उससे ये बोला कि ध्यान रखना, सपने में ना जाना, वरना फिर तो राजकुमार गुस्सा हो जाएंगे और वो हम लोगों को बुद्धू समझने लगेंगे। सुनीता बोलते, अरे दादी माँ, आप हमेशा मेरे सपने के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? दादी माँ ने बोला, चलो ठीक है, वो तो तभी ही पता चलेगा जब तुम सपने में नहीं होगी। सुनीता जाती है और सोच में लग जाती कि राजकुमार उसे तोहफे में क्या देगा। बहुत सारी मुर्गियां, बहुत सारे गाय या फिर बहुत सारे सोने, बहुत सारे कपड़े या फिर एक अमीर घर। वो ये सोचने लगती है और बोलती है, अरे नहीं, दादी माँ ने बोला था कि सपने में ना रहना, वरना फिर तो दूध सब कुछ गिर जाएगा। सुनीता नंगे पैर रास्ते से चली जाती है और उसे दाएं तरफ मुड़ना था, पर वो सोच में लग जाती है तो वो बाएं मुड़ जाती है और वहां पे कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं। सुनीता नीचे देखती है और बोलती है, यहाँ पे तो बहुत सारे कंकड़ है, मुझे तो बहुत तेजी जलन हो रही है पैर में, काश कोई यहाँ पे अच्छी सी रोड बना देता। वो फिर से सोच में लग जाती है कि राजकुमार उसे क्या देगा। और थोड़ी देर बाद सुनीता बस 10 मिनट में पहुंचने वाली होती है राजमहल में, पर तभी एक कंकड़ ने उसे गिरा दिया होता है और उसके पैर में घाव आ जाते हैं और सब दूध को बनाया वो गंदा हो जाता है। अब वो तुरंत रोने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। दादी माँ सही बोलती थी कि हमें सपने में नहीं रहना चाहिए, हमेशा बहुत ही गंदी बात होती है। और सुनीता सोच में लग जाती है, अब मैं क्या करूं। और तभी दादी माँ को थोड़ा लगता है कि कहीं सुनीता ने कुछ गिराया तो नहीं होगा, वरना फिर तो राजकुमार हमें सजा देंगे। और बिल्कुल वैसा हुआ जैसे दादी माँ ने सोचा था। सुनीता राजमहल जाके माफी बोलते, पर राजकुमार उसे गिरफ्तार कर लेता है। और दादी माँ अभी भी बुरा नहीं मानती है, वो बोलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। अच्छा, अंबिका की कहानी में कोई शिक्षा थी? यस मैम। क्या थी? जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, और हमें ज्यादा सपनों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, हाँ भव्य। यस मैम। हाँ, जो वो गर्ल थी वो क्या सपने देखा करती थी? वो देखती थी कि वो अमीर हो जाएगी, उसको एक घर अच्छा सा अमीरों वाला मिल जाएगा। वेरी गुड।
वेरी गुड भव्या एंड अर्पिका. नाउ बेटा वी यस मैम भव्या का चांस दे दे. भव्या यस मैम. नाउ इट्स योर टर्न. ओके मैम. एक बार दो भाई होते. नव्या ध्यान से सुनना. अधिका ध्यान से सुनना. यस मैम. एक बार दो भाई होते हैं. उनमें से एक अमीर होता है और एक गरीब होता है. गरीब जो उसका भाई जो छोटा भाई होता है वो गरीब होता है और जो बड़ा होता है वो अमीर होता है. एक बार जो उसका छोटा भाई था वो जा रहा था और सामान बेचने जैसे कि नमक दाल और उसके पास बहुत कम सामान था तो वो जा रहा था और उसको रास्ते में एक गुफा मिली. वो गुफा के अंदर बैठ गया और वहां पर उसको तीन लोग मिले. उन तीनों लोग ने बोला कि ये तुम ये चक्की ले लो और अगर जब भी तुम और ये एक जब भी तुम इसको घुमाओ जब तुम बोलोगे कि चक्की चक्की डाल दे और घुमाओगे तो वो दाल निकालेगी. तो फिर और जब तुमको बंद करना होगा तो उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना. गरीब से अमीर हो जाता है. एक उसके भाई बड़े भाई ने सोचा कि इसके पास इतना पैसा और इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया. फिर वो एक बार अपने सिपाहियों को भेजता है देखने के लिए कि उसके पास पैसा कहाँ से आता है. तो उसके सिपाही ने देखा कि एक चक्की है. तो वो उन्होंने उसके बड़े भाई ने बोला कि वो चक्की उठा ले आओ. तो वो ले आया और अपने परिवार एक बार वो अपने परिवार के साथ गए. नाव में बैठकर नमक निकालने लगा और फिर उसको पता है कि उसको बंद कैसे करते हैं. तो फिर उसकी नैया डूब गई. इस स्टोरी का मोरल है लालच पूरी बला है. वेरी गुड भव्या. भव्या आपने लिखी थी कि दादी जी की सुनाई हुई कहानी है ये. मैम आई हैव रिटन. बहुत अच्छी लिखी. वेरी गुड. इसको अभी ग्रुप में भी सेंड करना बेटा. अगर कोई स्पेलिंग एरर होगी तो हम उसको ठीक कर देंगे. ठीक है. नाउ वीर. नमस्कार. मैं भी आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. एक समय की बात है. एक गांव में एक राजा रहता था. वो एक दिन पशुओं को मारने गया था जंगल. तो जब वो और वो नंगे पैर गया था. जब वो आया तो राजा के पैर में बहुत ज्यादा कांटे चुभ गए थे और राजा बहुत थक गया था. तो राजा ने सोचा कि मैं पूरे जंगल को लेदर से कवर कर देता हूँ. किससे? लेदर. लेदर मतलब चमड़े. यस मैम. अच्छा. तो जैसे तो थोड़ी देर बाद उसका एक नौकर आया और बोला राजा जी आप छोटा सा लेदर क्यों नहीं ले लेते हैं अपना चप्पल बनवाने के लिए. आप पूरी रोड को कवर कर रहे हैं. क्यों कवर कर रहे हैं? हाँ कवर कर रहे हैं. तो आप चमड़े से पूरी सड़क को क्यों घेर रहे हैं. ठीक है. रोड नहीं बोलेंगे भी सड़क बोलेंगे चमड़ा बोलेंगे. अब हिंदी की अगर हिंदी की कहानी बना रहे थे हिंदी के शब्द यूज करेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे ना बेटा. स्टोरी टेलिंग में हमारा कॉन्फिडेंस होता है. स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती है. ठीक है. जो लोग सुनते हैं उनकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ती है. हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है. सेंटेंस मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है. ठीक है. तो स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस.
अच्छे शब्दों का यूज करेंगे, ठीक है। रोड नहीं बोलेंगे, सड़क, चमड़ा और घेर लिया, ठीक। तो राजा उसे जेल में बंद कर देता है। हाँ, फिर कुछ दिनों बाद राजा को समझ में आता है कि हम लोगों को अपना व्यू बदलना चाहिए, वर्ल्ड को नहीं व्यू, हम लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। ओके, हम इस स्टोरी का मोरल है कि हम लोगों को अपनी सोच बदलना चाहिए, दूसरों की नहीं। हाँ, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, ना कि दूसरों की। तो भव्या, ऐसा क्यों होता है कि राजा, ये कहानी से ये शिक्षा मिली कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, दूसरों की नहीं? ऐसा क्या हुआ था इस कहानी में जो हमें ये शिक्षा मिली? राजा ने सोचा कि वो पूरे जंगल को चमड़े से बदल देगा, तो और एक बार उसको एक इंसान एक बार उससे हाँ? किसी ने बोला कि आप खुद के लिए चप्पल क्यों नहीं बनवा लेते चमड़े से, तो फिर राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। और थोड़े दिन बाद राजा को ने सोचा कि हमको अपनी सोच बदलनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड वीर एंड भव्या। नाउ बेबी, आर यू रेडी विद योर स्टोरी? यस मैम। आर यू रेडी विद योर स्टोरी? यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस मैम। यशिता बेटा, आपने क्लास अभी बहुत दिन बाद ज्वाइन करी है, कहाँ से आप? एक लड़का रहता था, उसका नाम चिंटू था, वो पढ़ने में एकदम अच्छा नहीं था। उसके मम्मी पापा और चिंटू समझाते रहते थे कि मन से पढ़ोगे तो दादी दोबारा बोलो। दोबारा बोलो, स्टार्ट टेलिंग योर स्टोरी। यस मैम। स्टार्ट टेलिंग योर स्टोरी, कहानी कहना शुरू करो वीडियो ऑन करके। पहले एक लड़का रहता था, उसका नाम चिंटू था, वो पढ़ने में अच्छा नहीं था। उसकी टीचर और मम्मी पापा समझाते रहते थे। बहुत समय पहले एक लड़का रहता था। यस मैम, बताते यस वैदिकी कमान बेटा। बहुत समय पहले एक लड़का रहता था, उसका नाम चिंटू था, वो पढ़ने में एकदम अच्छा नहीं था। उसकी टीचर मैम, आई एम टेलिंग द स्टोरी। यस वैदिकी, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टेलिंग द स्टोरी। यस यू आर टेलिंग, आई एम लिसनिंग बेटा, योर वॉइस इज क्लियर। Yes, baby, come on, I am listening. उसकी टीचर और उसके मम्मी पापा उसे समझाते रहते थे कि अगर मन से पढ़ोगे तो एग्जाम में परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाओगे। उसका कोई दुख नहीं था। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। परीक्षा के पहले उसने ठान ली थी कि वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएगा। वो दिन रात कोशिश करता और मन लगा के पढ़ाई करता। जब परीक्षा का दिन आया और उसने परीक्षा दी। परीक्षा में उसने सब सही सही उत्तर दिए थे। उसकी टीचर जब उसकी मार्कशीट चेक कर रही थी तो वो हैरान हो गई थी कि इसके पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। वो बहुत खुश थी। जब उन्होंने उसके माता पिता से बताया
कि चिंटू के पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं तब वो भी बहुत खुश थे। चिंटू बहुत खुश था और दूसरे बच्चों ने उससे माफी मांगी क्योंकि वो उसे पढ़ाते रहते थे। इसी तरह वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया और अपने स्कूल का नाम रोशन करवाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेबी खुद से लिखी थी आपने? यस मैम, खुद से लिखी थी। वेरी गुड। यशिता, यशिता। यस मैम। बेबी ने जो स्टोरी सुनाई उसका मॉरल क्या है? बताइए बेबी, अपनी स्टोरी का एक बार मॉरल बताइए। बिना कोशिश किए हमें कोई फल मिलता नहीं है, मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यस यशिता, वैभवी ने मॉरल बताया, अब आप बताइए। मैम हम लोगों को बिना कोशिश किए हार नहीं माननी चाहिए। बहुत अच्छी बात। आज इस स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा? मैम आई हैव नॉट लिसन होल स्टोरी ऑफ वैभवी। व्हाई? मैम बिकॉज आई हैव जॉइन एट द मिड। ओके, उमम, उमम। यस मैम। बेबी ने उसने स्टोरी सुनाई, उसने आपको सबसे अच्छी क्या बात लगी? कुछ अच्छा लग रहा था? बेबी जो स्टोरी सुना रही थी उसमें आपको कुछ अच्छा लग रहा था? उमम, मैम माय नेटवर्क वाज ओके। ओके वी, मैम मेरे को ये अच्छा लगा, वैभवी की स्टोरी में ये अच्छा लगा कि हम लोगों को एक चीज ध्यान लेनी चाहिए और वो हम लोगों को पूरा करना चाहिए। हाँ, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो अभी की स्टोरी में थी और वो भी थोड़ा सा अगर आप लोग ने ध्यान दिया हो तो बताइए। और क्या वैभवी की स्टोरी में जो वैभवी कहानी सुना रही थी तो मुझे ढंग से सुना रही थी उसमें क्या कुछ अच्छाई थी? यस मैम की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक और थी, एक्सक्यूज मी मैम। यस यस अद्विका। Mom, when I'm gonna make a video, I need to show that I have a material made by me, but I do not have cake. Okay. अच्छा अद्विका, बेबी की स्टोरी में आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी? अच्छा बुरा क्या लगा? मैम यू वॉइस लैगिंग। वीर, बेबी की स्टोरी में कमी थी कोई? नो मैम, कुछ भी नहीं थी। बेबी जो भी सेंटेंस बना रही थी वो बहुत अच्छे सेंटेंस थे और बहुत अच्छे वर्ड्स को उसने यूज किया था। ठीक है, नाउ उमम, उमम। Yes ma'am. Now it's your turn. Okay ma'am. Excuse me ma'am. Yes Peter. Mom, I said that I need to show material made by me, but I can't show it. After class, okay Advika? After class. Okay ma'am. As they will complete your story, you can show your things, okay? Yes ma'am. Start. एक सारस और लोमड़ी दोस्त थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोजन करने का न्योता दिया। सारस ने न्योता स्वीकार कर लिया। लोमड़ी ने खीर बनाई। सारस जब उसके घर आया तो लोमड़ी एक चौड़ी थाली में खीर परोस लाई। उसने सारस
से कहा, आओ भोजन शुरू करें। दोनों ने खाना शुरू किया। लोमड़ी जल्दी जल्दी थाली में से खीर खा गई। सारस अपनी लंबी चोंच से चौड़ी थाली में से कुछ भी ना खा पाया। उमम, कैन यू जॉनी और कैमरा लोमड़ी जल्दी जल्दी थाली में से खीर खा गई। सारस अपनी लंबी चोंच से चौड़ी थाली में से कुछ भी ना खा पाया। वह भूखा रह गया। उसने मन ही मन लोमड़ी को मजा चखाने की बात सोची। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत में बुलाया। सारस ने भी खीर बनाई और लंबी गर्दन वाले बर्तन में परोस दी। लोमड़ी बर्तन के चारों ओर चक्कर काटती रह गई। उसका मुंह खीर तक पहुंच ही नहीं सका। सारस अपनी लंबी चोंच से सारी खीर खा गया। लोमड़ी उसका मुंह देखती रह गई। ओके उमम, यू ट्राइड योर बेस्ट, बट उमम यू हैव टू राइट योर स्टोरी ऑन योर ओन बेटर। दिस इज द स्टोरी फ्रॉम यू हैव टेकन दिस स्टोरी फ्रॉम समवेयर एल्स, यू नो। ये बहुत पुरानी स्टोरी है, हम सबने सुनी हुई है ना वीर? Yes, ma'am, I think about this Gadyans. Of course. And it is for class 4 Hindi yes, language. Yes, ma'am, class 4 Hindi language. Yes, ma'am, it is for class 4. Okay. Ma'am, it is for class 4. अधिकार लेते उमम, अगर आप स्टोरी को नहीं आपने बनाया था, टाइम नहीं मिला, तो आपको अपने आप बोलना था, देख के नहीं बोलना था, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम से आप खुद से बनाएंगी, और अगर नहीं बना पाए हैं तो अगर आप रीड करके भी बोलते हैं तो बिना देखे बोलना है, देख कर नहीं बोलना है, ठीक है उमम? ओके नेक्स्ट अर्शम हासिल करते हैं। अर्शम, जो भी स्टोरी आती हो वीडियो ऑन करके सुनाओ। अर्शम यस मैम, जो भी स्टोरी आती है वो वीडियो ऑन करके सुनाइए। चलिए वीडियो मैम, माय वीडियो इज ऑन बट आई एम नॉट एबल टू सी यू मैम। इट्स ऑन। ओके अर्शम, यस अर्शम, स्टार्ट। कोई तो कहानी आती होगी, कभी दादी ने नानी ने अनसीन पैसेज में कभी तो कहीं पड़ी होगी, कार्टून देखते हैं आप, उसकी कहानी सुनाइए। मैम एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था, उसको कहीं रीड नहीं करना, अर्शम रीड नहीं करना है, बी कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू स्पीक, क्लोज योर बुक। मैम आई हैव नॉट ओपन द बुक। So where are you seeing? Mom, I have not opened. Okay, speak. एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था, वह इधर उधर पानी के लिए भटक रहा था, उसको कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर जाके वो एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गया और देखने और पानी की खोज करने लगा। तभी उसको एक मटका दिखा, वो उस मटके के पास गया तो उसने उस कौवे ने देखा कि उस मटके में बहुत ज्यादा ही कम पानी था। फिर वो
पानी पीने की कोशिश करने लगा पर वो नहीं पी पाया। तो क्यों नहीं पी पाया था? क्योंकि पानी बहुत कम था उस मटके में। पानी ज्यादा कैसे किया? उस कौवे ने उस मटके के अंदर छोटे छोटे धीरे धीरे करके बहुत सारे पत्थर डाले जिसकी वजह से पानी ऊपर आ गया। फिर उस कौवे ने पानी को पी लिया और वो वहां से चला गया। इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट यशिता शीता अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसको अपनी सुंदरता बहुत घमंड था। वो एक दिन पार्क में खेलने आई तो वहां पर एक लड़का था। उसने बोला कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो शीतल ने बोला कि तुम जैसे काले भद्रे लोग उससे मैं दोस्ती नहीं करती। फिर वह लड़का उदास होकर चला गया। उसने रोते रोते कहा, अब तो मैं शीतल को सबक जरूर सिखाऊंगा। वह एक परी के पास गया और उससे कहा, उसे कहा कि मुझे दवा दी। यशिता, योर वॉइस इज नॉट कमिंग बेटा। योर वॉइस इज लैकिंग। You're not in the proper network, beta. Yashita, your voice is lacking, beta. Okay, Yashita, you can do one thing. आप video बना के group में send करिएगा, ठीक है? So that all children can see your performance. ठीक है, आप घर पे वीडियो बनवा के ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है यशिता, भविया ने बहुत अच्छा बोला, दैवी ने, वीर ने बहुत अच्छा बोला। इन लोगों को A+ मिलेगा क्योंकि इन्होंने अपनी स्टोरी खुद बनाई थी और बहुत अच्छे से बोला। अर्शम को B मिलेगा क्योंकि अर्शम ने स्टोरी पुरानी स्टोरी सुनाई, खुद नहीं बनाई थी, इसलिए स्टोरी देख के नहीं बोलना था। उमम को भी B मिलेगा। एंड यशिता, आप अपनी स्टोरी का वीडियो बना के सेंड करो, ठीक है? एंड टुमारो आई विल टेक योर टेस्ट ऑन बस्ता गोल। आई विल ट्राई टू पुट क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ लिंक ऑफ योर क्वेश्चन पेपर टुडे इवनिंग। ओके चिल्ड्रन, गेट रेडी फॉर योर एग्जाम। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Now can we leave the meeting? Yes, please. Okay. Okay, children. Okay, bye, ma'am. Thank you, madam. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.